हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आशास लाइफस्टाइल। आज हम शेयर करेंगे गुजराती मसाला भात। तो एक्चुअली ये गुजरात का फेमस है जो मसाला राइस होता है वो है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। कभी आपको घर में बहुत ही झटपट कुछ बनाने का मन हो लंच या डिनर में, तो आप ये बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये और बहुत ही फट से बन जाता है और बहुत ही यम्मी लगता है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आज हम बना रहे हैं राइस, तो उसके लिए हमें चावल चाहिए। और चावल ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल चाहिए, जो भी चावल आप घर में यूज़ करते हैं आप उससे बना सकते हैं। बासमती भी ले सकते हैं, बासमती होगा तो और भी अच्छा बनेगा। तो बाकी मैं नॉर्मल चावल यूज़ कर रही हूँ। एक कटोरी मैंने चावल लिया है, उसको भिगो के रख दिया, आधे घंटे के लिए भिगोना है। उसके बाद देखिए आधे घंटा भिग चुका है। और यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था एक चम्मच के करीब, और उसमें जीरा डाल दिया है। जीरा हल्का ब्राउन होगा तो हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी दालचीनी, दो लौंग और एक लाल मिर्च सूखी वाली। और फिर हम डाल देंगे आलू। आलू मैंने थोड़े मीडियम साइज़ में काटा है, ज़्यादा बड़े या ज़्यादा छोटे पीस में नहीं काटा है। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हरी मटर डाल देंगे, और हरी मटर ना हो आपके पास तो आप फ्रोज़न वाली मटर भी ले सकते हैं, और इसमें आप अपनी मनपसंद की कोई सब्जियाँ भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़े से ड्राई मसाले डालेंगे। तो मैंने सबसे पहले हल्दी डाला है, उसके बाद हम यहाँ पे धनिया पाउडर डाल देंगे। धनिया जो सूखा कूटा हुआ होता है, पिसा हुआ मार्केट में इजली मिल जाता है, वो धनिया पाउडर डाल देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है। तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। और अगर आपको लाल मिर्च नहीं अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। जब हमने तड़का लगाया था लाल मिर्च की, उस टाइम में आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं उसमें। और उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, क्योंकि हम मसाला राइस बना रहे हैं तो ये मसाले वगैरह डालना इसमें ज़रूरी है, क्योंकि ये मसाला राइस है। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी देर भूनने के बाद 5 से 7 मिनट भून लेंगे आलू और मटर वगैरह को। उसके बाद हम डाल देंगे राइस, जो कि हमारा आधा घंटा पानी में भीग चुका था और काफ़ी सॉफ्ट हो चुका था, तो उसको हम अच्छे से धो के साफ़ करके पानी से निकाल के फिर इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर सारी चीज़ों को मिक्स करके 1 से 2 मिनट हम राइस को भी इसी में भून लेंगे अच्छे से मसालों के साथ, ताकि जो हमारा चावल है उसमें मसालों का अच्छे से टेस्ट आए। इसलिए थोड़ी देर भून के उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिया था, मतलब 1 कटोरी चावल लिया था, तो पानी भी हमें 2 कटोरी लेना चाहिए। बट हम इसे पैन में बना रहे हैं और इसको हम अच्छे से उबलने देंगे, तो आप यहाँ पर 2.5 कटोरी पानी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका चावल खिला खिला बनेगा और चिपकेगा भी नहीं, ज़्यादा गीला भी नहीं बनेगा। तो बस इसको ढककर रख दिया है, और 15 से 20 मिनट बाद आप इसको मीडियम फ्लेम में रखिएगा। 15 से 20 मिनट बाद आप चेक कर सकते हैं, अगर नहीं पका हो तो आप इसको लो फ्लेम में और थोड़ी देर 5 मिनट रख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए 15 से 20 मिनट बाद मेरा यहाँ पे चावल बनकर रेडी हो गया है मसाला राइस। तो देखिए बहुत ही अच्छा बना है, एकदम खिला खिला, ना ही एक दूसरे में ये चिपका है, और बहुत अच्छा बना है आप देख सकते हैं। तो बस इसको आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए रायते के साथ, या जिसके साथ भी दही के साथ आपको खाना पसंद है उसके साथ, बहुत ही अच्छा लगता है ये मसाला राइस। कभी भी बना सकते हैं दिन में या रात में, बहुत ही लाइट वेट है, और प्लस आप इसको बहुत ही फटाफट से बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। तो कैसा लगा आप लोग को ये मेरा गुजराती मसाला भात, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।